हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रन थ्रू ऑफ चैप्टर 15. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स विच टू आर कॉन्ग्रुएंट. आपको फिगर को देखना है और बताना है कौन सी दो इसमें कॉन्ग्रुएंट है. सो कॉन्ग्रुएंट के लिए आपको ये मेजर करना होगा. अगर आप देखने से बता सकते हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा कौन सी दो कॉन्ग्रुएंट है, तब आप इनको साइड को मेजर करोगे और फिर चेक करोगे. अब देखो, देखने में आपको ये और ये तीन ट्राइंगल तो वैसे भी नहीं लगेगी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें एक में ये स्मॉल है हाइट और इधर ये ज्यादा है. ठीक है, और ई वाला पार्ट ये तो सबसे ही डिफरेंट ट्राइंगल है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये लेंथी है. फिर हम ए और बी की बात करते हैं, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. और अगर आप कहते हैं कि कैसे कॉन्ग्रुएंट है, आप इनकी साइड मेजर करिए बुक में और फिर चेक करिए, तो आपको ये बिल्कुल सेम मिलेगी. सो फर्स्ट ए एंड बी, दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट. और अगर आप कहते हैं नहीं, सी और डी भी कॉन्ग्रुएंट है, तो आप इनको मेजर करिए और फिर अपने आप से चेक करिए, तो आपको मिलेगा कि इनकी साइड में डिफरेंस है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर इनफ इंफॉर्मेशन टू शो दैट. यहाँ पे टू प्रूव दैट आएगा, टू प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इफ येस, राइट द कॉन्ग्रुएंस कंडीशन. आपको पहले देखना है कि क्या इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सफिशियंट है या नहीं है. अगर है तो उसकी कंडीशन नोट करनी है. सो हम पहले नोट करते हैं इन दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल डीओसी, इन दोनों में हमारे पास क्या है, जो इक्वल साइड है पहले वो नोट करते हैं हम. एओ दैट इज इक्वल टू डीओ, ये इक्वल साइड, ये साइन गिवन है. देन OB is equal to OC, ये भी हमें गिवन है. देन एंगल AOB that is equal to एंगल DOC, ये गिवन है. ये कौन सा है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. अब थ्री कंडीशन हमें चाहिए होती है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए. तो ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, तो आप लिखोगे यस कंडीशंस आर इनफ. उसके बाद आपको कंडीशन बतानी है इसमें कि कौन सी कंडीशन है. तो इसमें कौन सी होगी, साइड एंगल साइड. ओके, यहां पे लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल. नाउ बी पार्ट, ट्राइंगल आई जे के एंड ट्राइंगल एल एम के. सो इसमें हम लिखते हैं पहले इन ट्राइंगल आई जे के एंड ट्राइंगल एल एम के. इन दोनों में हमारे पास क्या है, पहले के आई, ये हमारे पास इक्वल टू है के एल, ये साइन हमें गिवन है दोनों कि ये इक्वल है. देन के जे इज इक्वल टू के एम, ये हमें गिवन है. लेकिन हमारे पास थर्ड तो है ही नहीं, थ्री कंडीशन होनी चाहिए, यहां पे टू है. तो यहां पे क्या लिखोगे, नो कंडीशंस आर, या फिर इन्फॉर्मेशन अगर लिखना चाहो तो इन्फॉर्मेशन लिखिए, नो इन्फॉर्मेशन इज नॉट सफिशियंट. देन सी में देखिए, ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एस आर क्यू, पी आर इक्वल टू क्यू एस, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, ये दोनों हमें गिवन है. तो थर्ड हमारे पास क्या होनी चाहिए. अब थर्ड में देखिए, अब आप ये वाली साइड लेंगे क्यू आर, क्यू आर इक्वल टू क्यू आर, ये क्या है, कॉमन है हमारे पास. ओके, ये गिवन नहीं है, लेकिन हमने यहां से निकाला कि ये कॉमन है. सो ये कॉमन हो गई ट्राइंगल के लिए. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए थ्री कंडीशन हमारे पास हो गई, ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, लिया हमने पी क्यू आर. सो यहां पे हमारे पास कैसे होगा, एस आर क्यू, कंडीशंस या फिर इंफॉर्मेशन आर सफिशियंट. और रूल कौन सा होगा, कंडीशन हमारे पास साइड साइड साइड.
Now question number 3. In the adjoining figure, A is midpoint of MT and SR. Prove that MAS triangle is congruent to triangle TAR. So in triangle MAS and triangle TAR. इन दोनों में पहले हम देखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है. इसने दिया ए इज मिड पॉइंट ऑफ एम टी. एम टी का मिड पॉइंट ये है, मीन्स ये और ये इक्वल होगा. एंड एस आर का भी ये मिड पॉइंट है, ये और ये इक्वल होगा. ओके, यहां पे हम नोट करेंगे एज ए इज मिड पॉइंट ऑफ एम टी एंड एस R, so MA will be equal to AT and SA will be equal to AR. Okay, तो टू कंडीशन हमारे पास ये हो गई. और थर्ड कंडीशन हम क्या लेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. इसको मत भूलना, एंगल MAS will be equal to एंगल TAR. वर्टिकली ओपोजिट एंगल. हो गई ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ. थ्री पार्ट्स हमारे पास हो गए. सो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई बाय साइड एंगल साइड से. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 4 and 5 यू कैन डू योर सेल्फ. ओके, इसमें आपको सिर्फ प्रॉपर्टी बतानी है और नेम लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 में. और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि किस टाइप से ये कॉन्ग्रेंट है, कौन कौन से पेयर, तो वो भी आप नोट कर सकते हो अपने आप से. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू इक्वल टू आर एस एंड क्यू आर इक्वल टू एस पी, फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स दैट मेक्स ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी एस आर. अब इसमें देखिए, ये भी आपको दे दिया कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है और ये भी दिया है कि ये टू पार्ट्स है. आपको सिर्फ थर्ड पेयर करना है. सो थर्ड पेयर इसमें क्या आएगा, टू पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहा है मीन्स वो कॉमन है. ओके, जब आपने ट्राइंगल ये और ये ली तो इसमें पी आर हमारे पास क्या है, पी आर इक्वल टू पी आर कॉमन, दिस इज थर्ड पेयर. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ये फिगर है, सेम फिगर थी इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं की थी, पी क्यू आर एस. अब क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू इक्वल टू पी एस, पी क्यू ये इक्वल टू किसके, पी एस के इक्वल है. एंड पी आर बाइसेक्ट एंगल पी, जो ये पी आर है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, मीन्स ये एंगल इक्वल टू इसके होगा. शो दैट ट्राइंगल पी क्यू आर पी आर क्यू कॉन्ग्रेंट टू पी आर एस, वॉट कैन यू से अबाउट क्यू आर एंड एस आर. ओके, तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले कॉन्ग्रेंट को, पहले ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं. इन ट्राइंगल पी आर क्यू एंड ट्राइंगल पी आर एस, इसमें हमारे पास क्या है, एंगल, पहले एंगल नहीं पहले साइड नोट करते हैं. पी क्यू इक्वल टू पी एस, दिस इज गिवन. देन एंगल क्यू पी आर, ये वाला एंगल इक्वल टू, इसको एंगल पी मत नोट कर देना क्योंकि वो गलत हो जाएगा. पी एंगल ये पूरा एंगल है, सो ये पूरा नहीं करना, हमें तो सिर्फ हाफ करना है. एंगल क्यू पी आर विल बी इक्वल टू एंगल एस पी आर. ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे इसको पूरा एंगल लिख देते हैं. ये क्या है, इक्वल है, इक्वल किस लिए, इसमें आप लिखोगे आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी. देन थर्ड इसमें क्या होगा, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है मीन्स वो कॉमन है. पी आर इक्वल टू पी आर, हो गया ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ. आप यहां पे नोट कर दोगे ट्राइंगल पी आर क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी आर एस बाय कौन सी साइड एंगल साइड. ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया. अब इसको बताना है आपको कि क्यू आर और एस आर, इन दोनों के बारे में, क्यू आर और एस आर. तो यहां पे हम नोट करेंगे क्यू आर विल बी इक्वल टू एस आर बाय
CPCT, corresponding part of congruent triangle. Okay. Now question number 8. Triangle ABC is an isosceles triangle such that AB equal to AC, AD perpendicular to BC. Prove that triangle ABD congruent to triangle ACD. जो हमें प्रूव करना है पहले उसी ट्राइंगल में हम देखते हैं. इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, यह इसमें हमें क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है. साइड ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल. Then angle ADB, that will be equal to angle ADC. ये क्या है, perpendicular है ये, ठीक है, या फिर ये लिख दीजिए AD perpendicular to BC. Then third side क्या होगी, third side जो आपको नहीं दिखाई दे रही है और वो कौन सी है, AD common. यानी जो आपको नहीं दिखता है तो उसमें ये चेक करिए कि कॉमन तो नहीं है कुछ, तो ये हमारे पास कॉमन हो गई. हो गया ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रेंट प्रूफ. आप नोट कर देंगे ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ये हमारे पास आ गया. इसमें ये भी नोट करना है कि बाय कौन सी प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी, इसमें हम लेंगे आर एच एस, क्योंकि ये 90 डिग्री है, हाइपोटेनस इक्वल है और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये कॉमन है इसमें, तो हमारे पास हाइपोटेनस साइड और राइट एंगल ट्राइंगल है. इसमें एस एस ए नहीं करना है क्योंकि वो प्रॉपर्टी नहीं होती है. उसके बाद हमें बताना है एंगल बी, आपको ये प्रूव करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहां पर नोट करेंगे इज इक्वल टू एंगल सी एज ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी, सो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाय सीपीसीटी. ओके, बाय सीपीसीटी ये हमारे पास हो गया. नाउ नेक्स्ट हमें क्या बताना है, इज डी मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो आप इसमें करेंगे पहले बी डी इक्वल टू सी डी, ये हमारे पास कहां से आया, बाय सीपीसीटी. बाय सीपीसीटी से जब ये दोनों इक्वल है तो अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, बी डी प्लस सी डी. अगर आप बी डी और सी डी को ऐड करते हो तो आपके पास क्या आया, बी सी आया. मींस यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि ये दोनों अगर ऐड करके बी सी आ रहा है तो जो डी है वो, सो डी इज मिड पॉइंट. या फिर आपको इसमें ये स्टेप भी करने की जरूरत नहीं, आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हो कि एस बी डी इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी, सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. इन द एडजॉइनिंग फिगर एस पी एंड आर क्यू आर परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन पी क्यू, प्रूव दैट ट्राइंगल पी क्यू एस इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल क्यू पी आर. आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, सो इसके लिए हम पहले नोट करेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल क्यू पी आर. इसमें हमें क्या क्या गिवन है पहले वो देखते हैं हम. पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, दैट इज 5 सेंटीमीटर. ओके, देन पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, या फिर क्यू पी लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज कॉमन, ये हमारे पास कॉमन हो गया. देन एंगल हमें गिवन है, एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर क्यू पी, ये हमारे पास कितना है, 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री कर दिया. परपेंडिकुलर है. उसके बाद ट्राइंगल पी क्यू एस इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल क्यू पी आर बाय, अब कौन से रूल से है ये,
अब इसमें आप ये 90 डिग्री है तो ये नहीं है कि आप आरएचएस लिख देंगे, आरएचएस आप इसमें नहीं नोट कर सकते, क्यों? क्योंकि आरएचएस में हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, और हाइपोटेनस कौन सा है, जो 90 के जस्ट अपोजिट साइड होती है, तो वो तो इक्वल है ही नहीं, तो हम यहां पे क्या करेंगे, साइड एंगल साइड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी आर इक्वल टू एस क्यू एंड एस आर इक्वल टू पी क्यू, प्रूव दैट एंगल पी इक्वल टू एंगल एस। आपको एंगल पी और एस इक्वल प्रूव करने हैं, तो इसके लिए आपको पहले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी होगी। कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ये ए पार्ट है, इन ट्राइंगल एस क्यू आर एंड ट्राइंगल दूसरी हमारे पास क्या है, पी आर क्यू, इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या क्या गिवन है पहले वो नोट करते हैं। एस क्यू इज इक्वल टू पी आर, देन ये वाली साइड, ये साइड कौन सी है हमारे पास, एस आर इक्वल टू पी क्यू, पूरी साइड है ये दोनों हमें गिवन है। देन क्यू आर, अब क्यू आर आपके पास कॉमन है, क्यू आर इक्वल टू क्यू आर या आर क्यू एक ही बात है, कॉमन, ये कॉमन है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। कौन कौन सी ट्राइंगल लेनी है आपको, ट्राइंगल एस क्यू आर, ये ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके, ट्राइंगल पी, अभी कैसे ली हमने, आप लोग ये सोचेंगे कि मैम हमेशा डायरेक्ट लिख देती है, एस क्यू आर, एस क्यू आर, तो ये क्या है, ये वाली साइड इक्वल है, मीन्स ये वाला साइन पहले आना चाहिए जब आप दूसरी ट्राइंगल नोट करोगे। ओके, उसके बाद ये कॉमन आई तो कॉमन साइड होनी चाहिए, फिर उसके बाद ये वाली साइड, तो क्या आएगा, एंगल ट्राइंगल पी आर क्यू, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी इसमें, ये ऐसे ली थी हमने एस क्यू आर, तो ये इधर से क्या होगी, पी आर क्यू बाय साइड साइड साइड, तीनों साइड है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब बी पार्ट में देखिए, आपको प्रूव करनी है ट्राइंगल एस ओ क्यू, तो इनमें लेते हम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एंड ट्राइंगल पी ओ आर, इन दोनों में हमारे पास देखिए क्या क्या है, दोनों ट्राइंगल में अगर देखते हैं तो एस क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये हमें गिवन है, देन नेक्स्ट क्या होगा, बाय, यहां पे आप नोट करिए नेक्स्ट नीचे स्टेप में, बाय सी पी सी टी एंगल पी विल बी इक्वल टू एंगल एस, मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये वाला नोट कर दिया हमने, इस वाले में भी एक ये हो गया, देन ये हो गया, अब थर्ड इसमें हम क्या लेंगे, इसमें आपको यहां नोट करना होगा बाय सी पी सी टी, और जो थर्ड पेयर है, थर्ड पेयर में हम क्या लेते हैं, ये एंगल लेते हैं, ये दोनों एंगल, एंगल एस ओ क्यू विल बी इक्वल टू एंगल पी ओ आर, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, ये दोनों हमारे पास आ गए। अब यहां से आपको थोड़ा सा अपने आप से ही माइंड लगाना होगा, क्या कि अगर आप यहां पे यूज करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, एंगल एंगल साइड, जो कि अभी आप लोगों को नहीं बताइए, आएगी 9th क्लास में, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी होती है, तो आप क्या कर सकते हो, अब थोड़ा सा आप यहां पे सोचिए कि जब ये दोनों एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, तो यहां पे हम क्या नोट करेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब ट्राइंगल में ये दोनों एंगल इक्वल है तो जो रिमेनिंग थर्ड एंगल है वो भी इक्वल होगा, तो इसको आप कैसे नोट करेंगे, एंगल, इसको मैं रफ कर देती हूं, ऊपर नोट करती हूं, यहां पे हम नोट करेंगे एंगल एस प्लस एंगल एस क्यू ओ प्लस एंगल एस ओ क्यू दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री इस ट्राइंगल में, और इसमें हम नोट करेंगे एंगल
पी प्लस एंगल पी आर ओ प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। दो ट्रायंगल है हमारे पास, दोनों में 180 डिग्री है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों साइड भी इक्वल होगी, मींस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, एंगल एस प्लस एंगल एस क्यू ओ प्लस एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू, ये वाली साइड अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो ये वाली आएगी इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल पी आर ओ प्लस एंगल पी ओ आर। ओके, अब हमारे पास क्या क्या इक्वल है, ये और एंगल पी, एस के और एंगल इसके इक्वल है, तो यहां पे हम नोट करेंगे एज टू एंगल्स आर इक्वल सो थर्ड एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल। थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल एस क्यू ओ दैट विल बी इक्वल टू ये एंगल पी आर ओ। अब हमारे पास थ्री साइड्स हो गई, टू ये हमने ये ली और थर्ड ये वाली हो गई, तो ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल हमें कौन सा ट्राइंगल लेना था, एस ओ क्यू, एस ओ क्यू, तो इसकी सीक्वेंस क्या बनेगी, पी ओ आर बाय, अब कौन सा होगा, एंगल साइड एंगल। अब ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग हो गया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।